अभी तक जो FAI ने यहाँ पे जो इसकी साइट जो अभी शुरू की थी, वैसे विधिवत घोषणा जो है हमारी तरफ से इंडिया में आज जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पे करेंगे, तो अभी तक 3 दिनों में यहाँ पे जो लगभग 28 देशों के 80 जो पायलट हैं उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपनी कर ली है और अभी 2 महीने रजिस्ट्रेशन के लिए और है। तो हमें जो यहाँ पे उम्मीद है कि कम से कम 40 से 50 देशों के लोग जो है इस इवेंट में भाग लेने आ रहे हैं। आपको पता है कि जो बीड बिलिंग जो है जो वर्ल्ड की वैसे जो पहले जो हम सेकंड इसको बेस्ट साइट बोलते थे, पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से जो जब हमारे पास वहां पे 5 टेक ऑफ जो बीड बिलिंग में है, एक समय में वहां पे 40 से 45 जो है पैराग्लाइडर लॉन्च कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल रैंकिंग के हिसाब से जो हमने इस बार क्लेम किया है कि हम जो विश्व की सबसे बढ़िया साइट बीड बिलिंग जो विश्व की उसके लिए हम क्लेम कर रहे हैं। यहाँ से जो है 280 किलोमीटर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्रो फ्लाई एरियल डिस्टेंस जो है वो यहाँ से विदेशी पायलटों के नाम यहाँ पे रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हमारी एसोसिएशन के नाम जो है हिमाचल को जो मिलने का मौका मिला जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, एक 11 साल की जो महाराष्ट्र से जो एक मिशी उसका नाम मिशी पाठक लड़की है उसको जो यहाँ से पैराग्लाइडिंग उसने खुद सोलो पैराग्लाइडिंग बीड बिलिंग सी उसका इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। एक जो हमारे और जो है 12 साल का लड़का जो वहां पे सिक्किम से उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ से बीड बिलिंग से अभी जो 3 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वहां पे बना है। जल्दी ही हमारे 5 हेलीपोर्ट्स पे कार्य शुरू हो चुका है। पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हेलीपोर्ट से जोड़ने का हमने प्रयास शुरू किया है। अब और जल्दी ही अभी पालमपुर में और चंबा में नए हमारे हेलीपोर्ट बनने जा रहे हैं और शिमला के जो हेलीपोर्ट है जो 2.5 साल से अधूरा बन चुका है लेकिन उसकी DGCA से अप्रूवल नहीं है, जल्दी भी यहाँ से भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। और रोड कंस्ट्रक्शंस के दृष्टि से भी हम NHAI के साथ संपर्क में हैं और जल्दी ही जब हमारे 4 लेनिंग कैथरी घाट शकराला और शकराला ढली वाली पूरी होगी तो एक टूरिज्म स्पॉट वहाँ भी बनेगा। तो इस बहुत ऊंचाई पर एक पुल हम बनाने जा रहे हैं ग्लास उसमें, तो ये सब चीज़ें टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से विकसित की जा रही है। ये सोच हमने NHAI के साथ भी अपनी प्रदर्शित की है और निश्चित रूप से अभी क्रूज स्टार्ट किया है बिलासपुर में हमने और बंगाना के जो हमारे पॉन्ड्स हैं जो हमारे वाटर बॉडीज है वहाँ भी हम सारी टूरिज्म की एक्टिविटीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। बोट बैलून की एक्टिविटीज़ हम पौंग के एरिया में करने जा रहे हैं और इस दृष्टि से मैं पर्यटन पर इसलिए आपका ध्यान डालना चाह रहा हूँ कि पैराग्लाइडिंग जो है ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है और मेन मकसद आज इसका मकसद सिर्फ पैराग्लाइडिंग से ही संबंधित ना होकर कि हिमाचल हिंदुस्तान का कब से सबसे सुंदर टूरिस्ट प्लेस बने, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं। हमने टूरिज्म जब टूरिस्ट सीजन में हमने शॉपकीपर्स को ये कहा है कि आप जब चाहे आप अपनी शॉप को खुला रख सकते हैं, ये वॉलंटरली है, आप चाहे तो बंद करें या चाहे तो रात के 2 बजे तक खोल सकते हैं, कोई आपको पुलिस तंग नहीं करेगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं रहेगी, चाहे शिमला में थी चाहे डलहौजी में था चाहे मनाली में था चाहे कसौली में था कोई भी शहर थे, हमने उसको ओपन किया है और आने वाले समय में 3-4 महीने में आप और इसमें चेंजिंग देखेंगे और निश्चित रूप से 2027 में हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करेंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। इस दृष्टि से हमने जो बजट भी प्रस्तुत किया है उसमें इसकी फाउंडेशन और आधारशिला को हमने रखा है और इस पैराग्लाइडिंग के शुभ अवसर पर मैं जो भी आयोजक है अनुराग शर्मा जी उनकी टीम के सुरेश जी और भी बाहर से जो स्पॉन्सर आए आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि वर्ल्ड कप आयोजन एक छोटी सी सिटी में करवाना ही बहुत बड़ी बात होती है किसी भी खेल का और इसका वर्ल्ड कप आयोजन करवा कर और वर्ल्ड कप के जो हमारे
पैराग्लाइडिंग के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इसको संबोधित किया। तो अच्छा लगता है कि पूरे विश्व में जो भी पैराग्लाइडर आएंगे वो हिमाचल की सुंदरता का व्याख्यान करेंगे और टूरिज्म को एक और बूस्ट मिलेगा। इसलिए पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।